हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज काफी टाइम बाद आप लोग मुझे देख रहे होंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं आ गई हूं मॉलिक्यूल में, और यहां पे मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एक जगह दिखाया जाए बढ़िया। यहां पे पार्टी वगैरह करने के लिए बेस्ट है यहां पे। तो अभी आपको मैं बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा जगह दिखाने वाली हूं, तो वीडियो में बने रहिए गाइस। और चैनल पे जो भी नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बैक कैमरे के साथ आपको दिखाते हैं, और यहां पे सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, क्या प्राइस है, कितना खर्चा आने वाला, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ मॉलिक्यूल। ये है रिवर साइड मॉल में, 7th फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, रिवर फ्रंट के पास में ही है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि गाइस आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना कि बाहर घूमने का मन ही नहीं होता। मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो आप लोग भी आइएगा, अब बर्थडे पार्टी वगैरह करना हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना हो, तो उसके लिए बेस्ट जगह है। आप लोग भी आ सकते हैं इंजॉय करने के लिए। अभी ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, ब्लॉग में बने रहेगा, आगे एकदम आपको इतनी बढ़िया व्यू दिखाएंगे ना, एकदम मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा लखनऊ के बाहर चले गए। तो वीडियो में गाइस बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट वगैरह भी थोड़ी कम है, तो अच्छा लग रहा है ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट भी कभी कभी नहीं अच्छी लगती है। तो मुझे तो एक ऐसी जगह चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और बढ़िया सा खाऊंगी पीऊंगी, मस्त इंजॉय करूंगी, और आप लोग को भी वीडियो में बताऊंगी यहाँ पे क्या प्राइस है, क्या सब कुछ आपको मेन्यू वगैरह दिखाएंगे। सो ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, और आप लोग को चलिए दिखाते हैं एक एक करके सभी चीजों के रेट, क्योंकि मेरी हर वीडियो में आप लोग पूछते हैं कि क्या प्राइस है यहाँ पे, क्या बजट है, कितना खर्चा आएगा अगर बर्थडे मनाए। तो मैंने सोचा इस बार आपको पूरा मेन्यू कार्ड ही दिखा दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज की रेट लिखा है, वीडियो को आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, हर चीज का आपको रेट देखने मिल जाएगा, उस हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हैं। अब भाई देखिए, डिपेंड करता है ना कितने लोग आपके साथ आए, तो उस हिसाब से खर्चा भी होता है। तो जैसा भी हो, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हर एक आइटम मिलेगा खाने के लिए, चाइनीज वगैरह भी है, इंडियन फूड भी मिल जाएगा, नॉन वेज वगैरह भी है। तो आप लोग को जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी चीजों के रेट मैंने दिखा दिया है, और यहाँ पे गाइस कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है, आप जब तक मन हो तब तक बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, फोटो शूट वगैरह सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की, फ्रेश लाइम सोडा। मैंने सोचा इतनी ज्यादा गर्मी है तो पहले कुछ ठंडा ठंडा पी लिया जाए, उसके बाद खाने का ऑर्डर करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से एंजॉय करेंगे, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगा लिया, और बहुत ही टेस्टी था, मैंने थोड़ा सा पिया, ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, मैंने थोड़ा पिया, अच्छा लगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी टीवी चल रही है, यहाँ पे मैच चल रहा है, तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि टीवी चल रही है, अकेले भी आए तो आप एंजॉय कर सकते हैं अकेले, मस्त। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसके बाद से मैंने सोचा क्या ऑर्डर करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो भाई मेरा तो फेवरेट नूडल्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए सबसे पहले नूडल्स ऑर्डर करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया और फटाफट से मैंने इसको खाया, क्योंकि गाइस नूडल्स तो मेरे फेवरेट है, तो अच्छा था, यहाँ के नूडल्स का भी टेस्ट था, स्पाइसी था, मस्त, मैंने अपने लिए हक्का नूडल्स मंगाया था। चलिए अब आपको बाहर लेके,
वहीं पे। सो गाइस यहाँ पे जो लैंप है ना छोटू सा, ये बहुत ही मस्त है, ये टच करने से ऑन हो जा रहा था और टच करने से इसकी लाइट भी आप देख सकते हैं चेंज हो जा रही है इस तरीके से। ये काफी अच्छा लगा मुझे, आपको हर एक टेबल पे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा बाहर साइड में, और बाहर साइड में इतनी ज्यादा स्पेस है, काफी ज्यादा आपको स्पेस मिल जाएगी बैठने के, जहाँ मर्जी आप वहाँ बैठ सकते हो, अपना इंजॉय कर सकते हो। और खुले आसमान के नीचे इतना प्यारा व्यू, बहुत ही सुकून मिल रहा था बैठ के। तो आप लोग भी यहाँ पे आइएगा जरूर, पार्टी वगैरह करनी हो तो नाइट में आएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि गर्मी का समय है, इस टाइम नाइट में ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगर ये व्यू देखना है तो नाइट में ही मिलेगा गाइस, क्योंकि बाहर का जो एरिया है ना, ये 6:30 के बाद ही पूरा अच्छे से रेडी हो जाता है, उसके पहले ये रेडी नहीं रहता है इसी वजह से, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया काफी मस्त लगा, और गाइस यहाँ पे ना ज्यादा क्राउड नहीं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे ज्यादा शोर शराबा नहीं है, क्राउड नहीं है। जिसको भी ऐसी जगह चाहिए हो उसके लिए बेस्ट है यहाँ पे, अपना आराम से म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड में और काफी अच्छा लगता है बैठ के। मैंने तो खूब इंजॉय किया, आप लोग को भी इंजॉय करना, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना पार्टी वगैरह कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देख दी है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो काफी ज्यादा लेट हो गया है, अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अब मैंने काफी इंजॉय कर लिया और मस्त, मैं तो यहाँ पे आके बस वीडियोस बना रही थी, मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट कर लूँ आप लोग के लिए, तो मस्त मजा आ गई एकदम। बैकग्राउंड देख सकते हैं, मेरा तो जाने का मन नहीं रहा लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो अब निकलते हैं घर के लिए, चलिए चलते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। ये पीछे रनेसा है, नेक्स्ट टाइम आऊँगी फिर यहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगी रनेसा का, कितनी मस्त हवा चल रही है। तो चलिए गाइस बाय बाय।